नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। न्यूज कैप्सूल में अपनी खास रिपोर्ट की हम शुरुआत करें, इससे पहले आपको ध्यान दिला दें कि यदि आपने YouTube पर हमारे चैनल गुड मॉर्निंग टीवी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल गुड मॉर्निंग टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी दबाएं। इस न्यूज कैप्सूल में हम आपके लिए लेकर आए हैं रीवा से एक बड़ी खबर, जिसमें दिन दहाड़े एक युवक पर बाइकर्स ने गोली चलाई है। आपको बता दें कि एक समय शांति का शहर समझा जाने वाला रीवा इन दिनों युवाओं में बढ़ती नशाखोरी के कारण अपराध का गढ़ बनता जा रहा है। बाइक में सवार होकर आए बदमाशों ने सरेराह युवक पर फायर कर दिया। जान बचाने के लिए युवक गैस गोदाम के अंदर घुस गया, जहां भी आरोपियों ने उस पर फायर किया और मौके से फरार हो गए। घटना रीवा शहर के समान थाना अंतर्गत बड़ा मोहल्ले में स्थित पवार गैस गोदाम की बताई जा रही है। अतुल चौबे निवासी नीम चौराहा बेदा बाग सोमवार की दोपहर बाइक पर सवार होकर किसी काम से जा रहा था। उसी दौरान बाइक में सवार होकर आए आधा दर्जन युवकों ने उसको रोका और हमला कर दिया। आरोपियों ने युवक पर फायर किया। जान बचाने के लिए वो गैस गोदाम के अंदर घुस गया। इस दौरान आरोपियों ने गैस गोदाम के अंदर घुस कर भी फायर किया और मौके से फरार हो गए। घटना से पूरे मोहल्ले में अफरा तफरी का माहौल निर्मित हो गया। सूचना मिलते ही भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा। युवक की शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। आरोपियों की तलाश में पुलिस जगह जगह दबिश दे रही है। दो दिन पूर्व सिविल लाइन थाने के कॉलेज चौराहे के समीप किशोर के साथ मारपीट हुई थी। आशंका जताई जा रही है कि उसी विवाद को लेकर आरोपियों ने घटना को अंजाम दिया है। जिस समय गैस गोदाम में गोली चली थी उस समय काफी संख्या में लोग मौजूद थे। भी क्या घटना हुई है, क्यों आप लोग सर? मैं मतलब आ रहा था सामान नाके से रास्ते पे, मतलब मैं निकल रहा था ऑफिस ले जा रहा था। पीछे से मतलब दो गाड़ी आई है, आधी फायर शिवम सिंह ने किया है और दो फायर अश्वि के तिवारी ने किया है। विवाद काहे का है आप लोग? विवाद सर मालूम नहीं मुझे सर, या ऐसे कोई थोड़ी चलाएगा कुछ। अभी TRS में दो दिन पहले भी मारपीट हुई थी। जो भी सर झगड़ा हुआ है वो समय क्लियर कर लिया, उससे मतलब कोई बात नहीं था। कितने की संख्या में आरोपी थे, काहे से आए थे? सर छह लोग रहे, दो मतलब दो मोटरसाइकिल थी और तीन बैठे थे। उनके नाम किसी जानते हो? जी सर। किसके नाम? शिवम सिंह, प्रकाश पीके तिवारी, भूषण खान। कहाँ घुस गए थे अभी? सर जो ये मतलब ऐसे ना, कौन सी गैस वाली गैस बोतल ऐसे, मैं उसके अंदर गया हूँ। आगे इन्होंने एक पैर पेड़ पर रोड में किया है और दो पैर उसके अंदर किया है। कुल वो तीन फायर किए हैं? यस सर। और वो लोग मोटरसाइकिल बैठे हैं? मोटरसाइकिल। और आप कहने से? मोटरसाइकिल बैठे। मारपीट भी किया है तुम्हारे साथ? नहीं सर, तुम क्या चक्कर के तो मैं मतलब अंदर भाग गया। दो फायर हुए तब क्या आपको रोक भी रहे थे? यस सर रोक रहे थे मुझे पीछे से। बता तो हवा में किए क्या है? अतुल चौबे TRS कॉलेज में बीकॉम फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं। इनका ये कहना कि वो मोटरसाइकिल से तीन लोग आए, जिसमें PK प्रकाश तिवारी था, वसीम खान था और शिवम सिंह परिहार, ये तीन लोग थे। इन्होंने रोक के किसी लड़के के बाद पूछा लल्ला कहाँ है, इसने बताया कि मुझे जानकारी नहीं है, तो उस बात को लेकर मारपीट करने लगे। उसका ये आरोप है कि उन्होंने हवाई फायर किया ड्राइवर ने करके, बोल में डर के भागा था, फिर मोटरसाइकिल टकरा गया, गिर गया, पैर में चोट लगी। गोली चलने की पुष्टि अभी नहीं हो पाई है, आसपास के कैमरे देखे गए वहां से कहीं पुष्टि नहीं हो पा रही गोली चलने की। मामला है 23 तारीख के शाम को सिरमौर चौराहे पे भी लड़कों के बीच में मारपीट हुई थी, जिसमें कोई ऋषभ पांडे कोई लड़का था उसके साथ मारपीट की गई थी। उसके ग्रुप के ये लड़के थे आरोपी, जो ये मामले का प्राची उसके साथी थे, तो निश्चित तौर पर वो आपस की प्रतिद्वंदिता है। मारपीट को लेकर जो चल रहा है वो चल रहा है, दोनों एंगल से जांच की जा रही है, मेडिकल कराया गया, मामले की जांच की जा रही है। 323 इस न्यूज कैप्सूल में फिलहाल इतना ही। खास खबरों, स्पेशल रिपोर्ट्स और अपडेट्स के लिए निरंतर बने रहिए गुड मॉर्निंग टीवी के साथ। और हाँ, एक बार फिर आपको याद दिला दें कि अगर अभी भी आपने YouTube पर हमारे चैनल गुड मॉर्निंग टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य करें। नमस्कार।